मारेगांव से एक शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है, जब एक 55 वर्षीय नराधम व्यक्ति ने 11 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए नजर डालते हैं मानव जाति को शर्मसार कर देने वाली इस खबर पर। मारेगांव शहर से एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर मारेगांव शहर में एक 11 वर्षीय बालिका के साथ अनैतिक अत्याचार होने की घटना बीते रात 9 बजे के आसपास प्रकाश में आई। आरोपी के विरोध में पीड़ित बालिका की शिकायत पर मारेगांव पुलिस ने बीती रात को ही आरोपी को गिरफ्तार किया। इस नराधम का नाम मोहम्मद इद्री शेख अब्दुल शेख, उम्र 52 वर्ष, मारेगांव का निवासी बताया जा रहा है। मारेगांव शहर के प्रभाग क्रमांक 8 में आरोपी के घर के पास ही पीड़ित बालिका का मकान था। पीड़ित बालिका के पिता पेंटिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से आरोपी ने अपने घर को पेंट करने के लिए पीड़ित बालिका के पिता को बुलाया था, और वहीं ये बालिका भी पिता के साथ आरोपी के घर आई थी, और उसी दौरान इस नराधम ने बालिका के साथ दूसरे कमरे में ले जाकर इस पाशविक कृत्य को अंजाम दिया। पीड़ित बालिका ने अपनी आपबीती रोते हुए अपनी मां को बताई। बालिका की मां ने तत्काल पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना के संबंध में एसडीपीओ सुशील नायक ने जानकारी दी। पुलिस स्टेशन मारेगांव येथे वार्ड नंबर 8 मध्ये काल एक रात्री घटना झाली आहे, ज्यामध्ये एक अल्पवयीन मुलगी आहे, त्या मुलीवर तिच्या शेजारी राहणारा एक 52 वर्षाचा इसम आहे, त्याने तिथे छेडछाड केली आहे। आरोपी आपण रात्रीच अटक केलेला आहे। पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे आणि तपास सुरू आहे। तपासामध्ये जे निष्पन्न आहे त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। और वहीं शहर के नागरिकों ने पुलिस स्टेशन के सामने जमावड़ा करते हुए इस घटना का निषेध व्यक्त किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, और यहां तक कि उन्होंने इसे फांसी देने की भी मांग की, और आगे की जांच उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशील नायक के मार्गदर्शन में मारेगांव पुलिस कर रही है। सिटी न्यूज के लिए मारेगांव से हमारे विशेष संवाददाता दिलदार शेख की रिपोर्ट।